साल 2024 के अंत में दो राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, एक महाराष्ट्र और दूसरा झारखंड। अजीत पवार की पार्टी दोनों ही राज्यों में बीजेपी नीत एनडीए के साथ सहयोगी की भूमिका में है, लेकिन दोनों ही जगहों पर बीजेपी अजीत को झटका देने में जुटी है। महाराष्ट्र में जहां बीजेपी ने लोकसभा में हार के लिए अजीत को जिम्मेदार ठहरा दिया है, वहीं झारखंड में चुनाव से पहले अजीत पवार की पार्टी के एकमात्र विधायक और प्रदेश अध्यक्ष को बीजेपी ने अपने पाले में ले लिया है। बैक टू बैक अजीत को लगे इस झटके के बाद सियासी गलियारों में सवाल उठ रहा है कि क्या चुनाव से पहले बीजेपी अजीत के साथ कोई प्रैंक कर रही है। महाराष्ट्र में अजीत पवार की पार्टी को पहला झटका सीट शेयरिंग में लगा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर दिया है। इस फॉर्मूले के तहत अजीत पवार की पार्टी को 55 से 60, एकनाथ शिंदे की पार्टी को 80 से 85 और बीजेपी को 150 से 160 सीटें लड़ने के लिए मिलेंगी। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं। दिलचस्प बात है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास वर्तमान में 48 विधायक हैं, जबकि अजीत पवार की पार्टी के पास 40 एनसीपी और 2 कांग्रेस के विधायक हैं। इसके बावजूद सीट शेयरिंग में अजीत पवार को कम तवज्जो दी गई है। सियासी गलियारों में सीट शेयरिंग के इस फॉर्मूले को अजीत के लिए झटके के रूप में देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही अजीत पवार बीजेपी और उससे जुड़े संगठनों के रडार पर हैं। महाराष्ट्र में हार के लिए बीजेपी के लोकल नेता लगातार अजीत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अजीत अब तक लोकल नेताओं के बयानों को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, लेकिन अब बीजेपी विधान मंडल दल के नेता देवेंद्र फडणवीस ने हार का ठीकरा अजीत पवार पर फोड़ दिया है। हाल ही में एक इंटरव्यू में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम लोकसभा में इसलिए हारे क्योंकि हमें अजीत पवार का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। फडणवीस का कहना था कि गठबंधन में समर्थक अजीत को लेकर असहज थे और इसलिए हम कई सीटों पर हार गए। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले अजीत पर फडणवीस के बयान के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। महाराष्ट्र के साथ झारखंड में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। यहां अजीत पवार की पार्टी के पास एक विधायक था, पवार उसी के सहारे झारखंड में पांव पसारने की तैयारी में थे, लेकिन चुनाव से पहले एनसीपी विधायक कमलेश कुमार सिंह को बीजेपी ने अपने पाले में ले लिया है। हुसैनाबाद से एनसीपी विधायक कमलेश सिंह ने अमित शाह और हिमंत बिस्वा शर्मा से मुलाकात के बाद बीजेपी में जाने का फैसला किया है। सिंह एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, वो लंबे वक्त से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में थे। कहा जा रहा है कि सिंह के बीजेपी में जाने से अब अजीत पवार की पार्टी को झारखंड एनडीए की ओर से शायद ही सीट मिले। ऐसे में से महाराष्ट्र के बाहर पार्टी के विस्तार को झटके के रूप में देखा जा रहा है। इसकी एक वजह अजीत के प्रेशर पॉलिटिक्स को कम करना है। एनडीए में आने के बाद भी अजीत मुख्यमंत्री पद की रट लगाए हुए हैं। अजीत कई सार्वजनिक मौकों पर मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जता चुके हैं। वर्तमान में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं। अगर शिंदे हटते हैं तो बीजेपी अपने कोटे से किसी को सीएम की कुर्सी सौंप सकती है। अजीत को झटका देने की दूसरी वजह अपने समर्थकों को साधने रखने की रणनीति है। बीजेपी अपने समर्थकों को ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वो अजीत के डिमांड के सामने झुक नहीं रही है। जुलाई 2023 में अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार से बगावत कर एनडीए में शामिल हो गए थे। उस वक्त अजीत ने 40 विधायकों के साथ शिंदे सरकार को समर्थन दिया था। अजीत को इसका इनाम मिला और उन्हें डिप्टी सीएम की कुर्सी सौंपी गई। अजीत इसके बाद से ही एनडीए में शामिल हैं। लोकसभा चुनाव में अजीत की पार्टी को 4 सीटें मिली, लेकिन एनसीपी अजीत को सिर्फ 1 पर जीत पाई। लोकसभा में खराब परफॉर्मेंस के बाद से ही अजीत की पार्टी बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट समर्थकों के निशाने पर है।